कराची जे तक एन ए 249 ते 29 अप्रैल ते नंढी चूंड थियण वञे पई थी। शहरनि खां पुछूं त हू कंहिंजा वोटर ऐं कंहिंजा सपोर्टर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ जो प्रोग्राम कराची डायरी में भलीकार, मां आहियां तव्हांजो मेज़बान शबीर लाशारी। नाज़रीन, कराची जे तक एन ए 249 ते 29 अप्रैल ते नंढी चूंड थियण वञे पई, छाकाणि त 2018 जी आम चूंडनि में खटी आयल पीटीआई उम्मीदवार फैसल वावडा सेनेट जे चूंडनि दौरान हिन तकत एमएनशिप तां इस्तीफ़ा ॾिनी, जंहिंखां पोइ 29 अप्रैल ते हिते बाई इलेक्शन थियणु वञे पई। पाण हिन वक़्तु एन ए 249 में मौजूदु आहियूं, कोशिशि कंदासीं त एन ए 249 जे शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं हितां शहरनि खां पुछूं त हू कंहिंजा वोटर ऐं कंहिंजा सपोर्टर आहिनि, हिते कंहिंजी पोज़ीशन जेका आहे उहा मज़बूत आहे। उन सां गॾोगॾु 2018 जे आम चूंडनि में खटी आयल फैसल वावडा, जेको वफ़ाक़ी वज़ीर बि बणियो, उहो फैसल वावडा हिन तक लाइ छा छा कयो ऐं हिन तक जा मसला हल कया या न? जेकॾहिं पाण पोयनि जेको आहे इलेक्शन्स ते नज़र विझूं था त 2002 दौरान हिते जेको आहे MQM उम्मीदवार आमिर लियाकत हुसैन 30,558 वोट खणी कामयाबु थियो, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार अब्दुल हबीब जेको आहे उहो 22,700 वोट खणी सघियो। उन सां गॾोगॾु 2008 जी जेका इलेक्शन हुई उनमें बि MQM उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार 1,03,000 वोट खणी कामयाबु थियो, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार अब्दुल अमीन मेमण जेको आहे उहो 73,000 वोट खणी ॿिए नंबर ते आयो हो। ईअं जेकॾहिं पाण 2013 जे जेको आहे इलेक्शन ते नज़र विझूं था त 2013 जी इलेक्शन में बि हिकु दफ़ो ॿीहर MQM उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार 1,09,000 वोट खणी कामयाबु थियो हो, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार अब्दुल अज़ीज़ मेमण 64,000 वोट खणी हाराए वियो हो। ऐं उनखां अलावा 2018 जी जेका ताज़ी जेका आम चूंडूं थियूं उनमें PTI उम्मीदवार फैसल वावडा ऐं नून लीग उम्मीदवार शहबाज़ शरीफ विच में चोटी जो मुक़ाबिलो थियो हो, ऐं 1,000 वोटनि जे लॻभॻि ई लीड तां जेको आहे फैसल वावडा नून लीग उम्मीदवार शहबाज़ शरीफ खे हाराए वियो। 2018 जी इलेक्शन खां पोइ फैसल वावडा पारां जेका MNship तां इस्तीफ़ा ॾिनी वई, उनखां पोइ हिते जेका नंढी चूंड थिए पई उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, PTI ऐं समेत ॿिया केतिरनि ई पार्टियुनि जा उम्मीदवार जेके आहिनि उहे मैदान ते लथल आहिनि, ऐं उनखां अलावा TLP उम्मीदवार जेको आहे नज़ीर अहमद उहो बि हिन जेको आहे तक ते उम्मीदवार आहे, पर ताज़ो वफ़ाक़ी सरकार पारां TLP ते पाबंदी मड़ी वई आहे, जंहिंखां पोइ हाणे ॾिसणो इहो आहे त TLP उम्मीदवार जेको आहे बीहंदो या न बीहंदो, इन बाबति इलेक्शन कमीशन उन जो कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी इहो बि हिकु जेको आहे वॾो सुवालु आहे, छाकाणि त हिन इलाइक़े में मज़हबी वोट बि इलाही सारो आहे, वोट बैंक आहे, मज़हबी धुरियूं जेके जॾहिं जॾहिं बि हिते बीठियूं आहिनि उन्हनि 10,000-15,000 वोट जेके आहिनि उहे खया आहिनि, तंहिंजे करे जेको हिन वक़्तु बि TLP उम्मीदवार आहे उन खे बि काफ़ी वोट मिली सघनि था, पर TLP उम्मीदवार जो फ्यूचर उन करे उंदाहो थी वियो आहे जो वफ़ाक़ी सरकार पारां ताज़ो धरणनि सबबु TLP ते पाबंदी मड़ी छॾी आहे, जंहिंजे करे शायदि हाणे उन जेको उम्मीदवार आहे उहो बीह सघे या न बीह सघे, उनजी क़िस्मत जो फ़ैसिलो बि अञा थियणो आहे। पाण हिन वक़्तु बलदिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वेंदासीं ऐं हिन वक़्तु बि असां बलदिया जे जेको आहे 7 नंबर चौक ते मौजूदु आहियूं, हिते आम शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असुलु मुक़ाबिलो कहिड़नि पार्टियुनि उम्मीदवारनि विच में आहे ऐं हू कंहिंखे सपोर्ट कनि था। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु एन ए 249 जो जेको तक आहे जिते 29 अप्रैल ते नंढी चूंड थियणु वञे पई उन तक अंदरि मौजूदु आहियूं। अचो त हिते मौजूदु जेके वोटर आहिनि, शहरी आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त 29 अप्रैल ते थींदड़ जेका नंढी चूंड आहे हू छा था सम्झनि, त कहिड़ो उम्मीदवार जेको आहे उहो मज़बूत उम्मीदवार आहे ऐं कंहिंखे हू वोट ॾियणु चाहिनि। तारीख़ को इहे इलेक्शन होने जा रहे, यहां पर बाय इलेक्शन आहे, पहिले यहां से फैसल वावडा जीता, फैसल वावडा वफ़ाक़ी वज़ीर भी बने, PTI के भी हैं वो, तो आप लोगों के इस हल्के के मसाइल हल हुए कि नहीं हुए, आपके मसाइल हैं कौन से? मैंने फैसल वावडे को यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहे थे उसके बाद देखा ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं सुबह से रात तक इस यहाँ पर होता हूँ, सुबह 10 बजे आता हूँ, रात को 1 बजे जाता हूँ, मैंने नहीं देखा उसको। अच्छा, आपके मसाइल हैं क्या इस इलाके के? इसका मेन मसला पानी है, बिजली है, अभी आपके सामने लाइट नहीं है, रोड का देख लो पानी जा रहा है। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? लोड घंटे 6 घंटे तो चल रही है। अच्छा, हाँ, और पानी यहाँ का देरी ना मसला है? 1 से 1.5 महीने बाद पानी आता है। 1 से 1.5 महीने के बाद एक मरतबा आता है? यहाँ आता है पानी, पीने का पानी? पीने का पानी 1 घंटे आता है। अच्छा जी हाँ, तो PTI की हुकूमत में होते हुए, वफाकी वजीर होते हुए फैसल वावडा ने अपने हलके को पानी भी नहीं दिलवाया?
जब वो आए नहीं दिलवाएगा तब ना जब आएगा, जब आए ही आप नहीं, लोग ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इस मर्तबा, इस मर्तबा किसके चांसेस हैं, कौन जीतेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई जो जिन्होंने हमें पहले पानी दिया था, बिजली दी थी, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, मुत्तहिदा जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एमक्यूएम का यहाँ पर है जोर उसी का ही है और वही जीतेगी। अच्छा, जहाँ समय जो नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको आजमा लिया। असल मुकाबला किन किन में है? असल जो वोट बैंक है वैसे तो हमारे साइड के हल्के जो है पीपल्स पार्टी का। अच्छा, मुकाबला उन्हीं से होना और किसी से नहीं होना, पार्टी और एमकेएम का मुकाबला, मुकाबला असल इन्हीं गई है। 29 तारीख को एन 249 के अंदर इंशाल्लाह सिर्फ तीर चलेगा। अच्छा, ना बला चलेगा, ना पतंग चलेगा, ना सिर्फ तीर चलेगा। इसलिए तीर चलेगा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 249 के अंदर सिर्फ सिंध हुकूमत ही काम करवा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं करवा सकती है। फैसल वाडा यहाँ जब जीता था इलेक्शन और बैठ के कचरे पर सियासत करता था कि मैं पानी लाऊंगा, ठीक है, कचरे पर बैठ के बर्गर बनाता था, बैठ के रेडी पे बिरयानी बेचता था, ठीक है, रिश्तेबाद में बर्गर भी बेचता था, बैठ के तैयार भी करता था कि भाईजान मैं आप लोगों के लिए पानी भी लाऊंगा, इंशाल्लाह करूंगा। तो जैसे इलेक्शन यहाँ से जीता, जीतने के बाद वो नज़र हो गया, नज़र नहीं आया, तो उससे आवाम ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, मेरी जान को खतरा है। और यहाँ से MP हमारा फकरी साहब जीता था, अभी आप आवाम से जाके पूछ लो, ये भी खड़े हैं सामने आपको बताएंगे, वो कहते हैं मैं दीन के लिए आया हूँ, कामों के लिए नहीं आया हूँ। एमपी का नाम क्या था? कासिम फकरी, कासिम फकरी साहब, वो अभी भी कहते हैं कि मैं दीन के लिए आया हूँ। भाई दीन सबसे आगे है, लेकिन बुनियाद के जो काम है ये मसले को हल करेगा। सारा मेन मसला ये इंशाल्लाह 249 में इंशाल्लाह इस दफ़ा तीर चलेगा, तीर के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। UC 32 में आप खड़े हो इंशाल्लाह, बड़ी सीरियस से इंशाल्लाह वोट पीपल्स पार्टी को यहाँ से पढ़ेंगे। वो काफ़ी लोगों ने शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में की है, इंशाल्लाह कर रहे हैं और आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा तीर चलेगा, तीर के अलावा यहाँ कोई काम नहीं करवा सकता है। जी ए भुट्टो, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि तीर जो है ना विन करेगा। अच्छा, और करना भी चाहिए इसको, क्योंकि आफ्ताब भाई हमारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इलाके में तीर की तरफ से, तो हमें पानी चाहिए और पानी यही दे सकते हैं। मसला कौन सा है? मेन मसला हमारा पानी का। अच्छा, हमें पानी चाहिए और पानी हमें तीर। फैसल वाडा ने आपको पानी नहीं दिया? फैसल वाडा ने पानी दिया, पता नहीं ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका, कहीं कहाँ से गया, कोई पता नहीं है। ये मसला सिर्फ पीपी हल कर सकती है, पीपी हल कर सकती है, सिंध में गवर्नमेंट पीपी की है। अच्छा अंकल, आप क्या समझते हैं किसके वोटर सपोर्टर हैं, किसको जीतना चाहिए, किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को जीतना चाहिए, जो काम कराएगी। अच्छा, खटन तो कहे घुर्जे जो खटे सके तो खटे थे, पर मतलब जो कम जगह सही करना हुए खटता इन टाइम, तो पीपल्स पार्टी से कम करे पी, लेकिन यही कम वो ही थोड़ा जो आरजी तौर से जो माना देखारा कि असि हाथी वा धंधे के देखारण करे खाने वाला बयान, तो इन टाइम तो मुझे ख्याल मुस्तफ़ा कमाल बेहतर है। अच्छा, तहां नज़र में मुस्तफ़ा कमाल, तो पीपल्स पार्टी कम न पी कराए चाहे थे? आऊँ पाउँ पीपल्स पार्टी हैदराबाद डिवीज़न को सदर रह चुको है। अच्छा, लेकिन इन टाइम पीपल्स पार्टी कम न पी करे। अच्छा, बस जो जीत जाए बस जीत जाए, जिसकी मर्जी है। किसको वोट करेंगे आप? हम तो नवाज शरीफ को करेंगे। अच्छा, हाँ जी, अच्छा जी, आपका मसला क्या है यहाँ? यहाँ का मसला ये है कि यहाँ आज 14 साल से पानी बंद किया हुआ है, इस इलाके को पानी नहीं मिल रहा है 14 साल से। अच्छा, हाँ ये पूरा ये पट्टी जो है ये बंद किया पानी। कौन नहीं दे रहा पानी? क्या पता ये किसने बंद किया, लेकिन MQM वालों को उस वक्त वोट नहीं दिया तो उन्होंने बंद किया ये पानी। MQM वालों ने वोट ना देने के लिए, हाँ ना देने की वजह से ये इस एरिए का पानी बंद किया। शुरू से पीपल्स पार्टी को देते आए हैं और हमारे जो बाप दादा हैं वो भी पीपल्स पार्टी को देते हैं, अब भी पीपल्स पार्टी को दीजिए वोट। 29 तारीख को जो यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसके वोट रहे हैं, किसके सपोर्ट? हम सपोर्टर हैं MQM। नहीं, MQM के लिए ये मशहूर होता है कि डब्बे घूम, तो MQM ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। जितना ईमानदारी से MQM ने अपना कराची में वोटिंग किया है ना, उतना नहीं किया किसी ने भी, लेकिन फिर भी बदनाम है। डब्बे घूम किए थे नवाज शरीफ वालों ने किए। तो यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, पहले यहाँ से फैसल वाडा जीता, वो वफाकी वजीर भी बने, इस मरतबा क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी यहाँ से? उम्मीद तो MQM की लग रही है। अच्छा, बाकी तो कह नहीं सकते। फैसल वाडा यहाँ से जीते थे, क्या उसने काम वाम कराए यहाँ? उसने कभी झाका नहीं है यहाँ पे, आके आया ही नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। इस इलाके के वैसे मसाइल कौन से हैं? पानी है, बिजली है, बहुत सारे मसले मसाइल है, सेवरेज का निज़ाम है, सेवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, रात को लाइट गई तो गई, पता ही नहीं आएगी नहीं आएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आप लोग कहते हैं MQM जीतेगी, आप उसके सपोर्टर होंगे, तो MQM वाला उम्मीदवार अगर जीत भी आए तो वो आपके मसाइल उससे कुछ बेहतर है? कम से कम शक्ल तो दिखाता है, आगे दो गालियाँ भी सुन लेता है, दो बातें भी सुन लेता है, जलील भी हो जाता है, ये तो पलट के आते ही नहीं है।
इतना तो है आवाम को दिल का खार निकालने का मौका तो मिलता है, सामने तो आ जाता है बंदा, ये तो आते ही नहीं है। इलेक्शन होने जा रहा है आपके इस हलके में, आप किसको वोट और सपोर्ट करेंगे, किसको जीतना चाहिए, किसके दरमियान मुकाबला है? मुकाबला तो असल पीपल्स पार्टी का है, सीट तो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, ये सीट पीपल्स पार्टी की है? जी बिल्कुल। तो आप किसको वोट और सपोर्ट करेंगे? बिलहाल तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे, हमने तो जिसको भी दिया है हमारा हाल देख लो, रोडों का गलियों का। नहीं, फैसल वावड़ा यहाँ से जीते, वो वफाकी वजीर बने, इमरान खान की हुकूमत भी थी, क्या दिया है? कुछ भी नहीं किया उसने, आके देखा ही नहीं है, दोबारा इधर आया ही नहीं है जीतने के बाद। अच्छा, फैसल वावड़ा आया ही नहीं? आया ही नहीं। आपके मसाइल कौन कौन से है? हमारे मसाइल यहाँ पानी के गटर लाइन है, इधर वो बढ़ जाती है, ये आप रोड देखो पानी रोड पे गटर लाइन का आ जाता है। अच्छा, ये अगर कोई भी आएगा करेगा, पहले पीपल्स पार्टी ने रोड बनाया था, उसके बाद ये बना ही नहीं है। अच्छा, तो आप वोट पीपल्स पार्टी को करेंगे? बिल्कुल। अच्छा सही। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, किसको वोट कर रहे हैं, किसको जीतना चाहिए? जो काम करके देगी उसको वोट देंगे। अच्छा, आप लोग अभी जो उम्मीदवार आपके वहाँ आ रहे हैं वोट मांगने, उनसे क्या शरायत रख रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? यही पानी का, ये गटर लाइन वगैरह, यही तकलीफात है। क्या कहेंगे 29 तारीख को जो यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसके वोट रहे हैं, किसके सपोर्ट? हम सपोर्टर हैं MQM। अच्छा, मुत्तहिदा, ठीक है, क्योंकि हमारा जीना मरना MQM के साथ है। सही, ठीक है। इधर असल मुकाबला चार पार्टियाँ हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, MQM है, PSP है, लेकिन असल मुकाबला आएगा दो पार्टियों के बीच, PSP और MQM। अच्छा जी। नहीं, नून लीग पिछली मरतबा शहबाज शरीफ ने सिर्फ 1000 वोटों से हारा है। जो आपकी बात सही है, धांधली की थी इन लोगों ने, फिर भी कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, पूरे पूरे बॉक्स वोटों के उन्होंने घुमाए थे, फिर अच्छा, भी कामयाब नहीं हो सके थे। तो यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, पहले यहाँ से फैसल वावड़ा जीता, वो वफाकी वजीर भी बने, इस मरतबा क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी यहाँ? उम्मीद तो MQM की लग रही है। अच्छा, बाकी तो कह नहीं सकते। फैसल वावड़ा यहाँ से जीते थे, क्या उसने काम वाम कराया यहाँ? उसने कभी झाका नहीं है यहाँ पे आके, आया ही नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। इस इलाके के वैसे मसाइल कौन से हैं? पानी है, बिजली है, बहुत सारे मसले मसाइल है, सेवरेज का निज़ाम है, सेवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, रात को लाइट गई तो गई, पता ही नहीं आएगी नहीं आएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आप लोग कहते हैं MQM जीतेगी, आप उसके सपोर्टर होंगे, तो MQM वाला उम्मीदवार अगर जीत भी आए तो वो आपके मसाइल उससे कुछ बेहतर है? कम से कम शक्ल तो दिखाता है आगे, दो गालियाँ भी सुन लेता है, दो बातें भी सुन लेता है, जलील भी हो जाता है, ये तो पलट के आते ही नहीं है। नाज़रीन, असां इन वक्त बलजिया टाउन के 7 नंबर चौक वट मौजूद आयूं, अचो तो हिते जेके मौजूद मानू आन उनन सा गाल बोल क्यों, तो हु 29 अप्रैल ते थींदर जेका नंडी चूंड है उनमें केंखे वोट कन था। अंकल ये बताइएगा, अभी जो ये बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसके वोट रहे हैं, किसके सपोर्टर हैं, किसको वोट करेंगे? हम मतलब सूबाई सपोर्टर तो हैं पीपल पार्टी के। अच्छा, क्योंकि सूबाई हुकूमत पीपल पार्टी की है और 18वीं तरमीम के बाद पीपल पार्टी का काम है कि सूबे का काम करना, हर बंदे को पता होना चाहिए कि सूबाई काम जो भी करना है पीपल पार्टी ने करना है, ठीक है ना। जहाँ तक कौमी असम्बली की बात है तो वहाँ कराची का अमन जो सही किया वो नवाज शरीफ ने किया। अच्छा, कौमी असम्बली का वोट हमारा नवाज शरीफ को जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कराची में बदमाशी ख़त्म की है, कारोबार हमारा खोला है, और बाकी सूबाई वोट जो हमारा पीपल पार्टी को है। अच्छा अच्छा, अंकल ये जो इलेक्शन पहले हुए थे 2018 को, उसमें फैसल वावड़ा जीते, फैसल वावड़ा PTI के सरकर्दा रहनमा हैं, वफाकी वजीर भी बन गए, तो क्या उन्होंने अपने हलके में काम करवाए नहीं करवाए? नहीं, हमारे हलके में तो कभी आए ही नहीं वो। अच्छा, इलेक्शन के बाद आए ही नहीं? नहीं नहीं, पहले भी नहीं आए। नहीं, पहले भी नहीं आए। फिर कैसे जीत गया? बस अल्लाह ने जिता दिया उसको, जो बाकी जीते हैं, बाकी कैसे जीते हैं? कौमी असम्बली वाले, जो कौमी असम्बली हमारी बैठी है, वो सारे वो कैसे जीते हैं? ऐसे ये भी जीत गया। क्या समझते हैं, क्या आपके मसाइल के 3-4 कौन से, अपने इलाके के कौन से 3-4 मसाइल हैं ऐसे जो जल्दी हल होने चाहिए? जो सबसे बड़ा मसाइल हमारा पानी का है, और पानी का मसाइल हमारा हल करेगा पीपल पार्टी। को जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको वोट और सपोर्ट कर रहे हैं? यार अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है।
अच्छा, पिछली मरतबा जब इलेक्शन हुए थे 2018 में तो फैसल वावड़ा जीत के आए थे, फैसल वावड़ा वफाकी वजीर भी बन गए, कुछ भी नहीं किया, कख नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं हमारे इलाके के अंदर सोचा ना, बोला ना, आया ना, देखा ना, खाया ना पिया। अच्छा, ये अब TLP भी मैदान पे है लेकिन उस पर पाबंदी पड़ गई है, MQM है, PSP है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, इनमें से मजबूत उम्मीदवार कौन है, किसकी पोजीशन मजबूत है? उसमें दो पोजीशन, एक तो किसकी मुस्तफा कमाल की है। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी की। 29 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसके वोटर सपोर्टर हैं? यार हम तो मुफ्ती इस्माइल साहब के। अच्छा, नून लीग के। अच्छा अच्छा, क्या यहाँ के हमने लोगों से पूछा है कि भाई आप किसको सपोर्ट करें, हर कोई अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करें, लेकिन हर कोई कह रहा है कि जब जो भी यहाँ से जीत के गया है हमारे मसाइल हल नहीं किए। ये तो हकीकत बात है, हमारा सबसे बड़ा मसाइल जो है ना पानी का है, पीने का पानी, पानी पीने का बहुत बड़ा मसला हमारे लिए, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, ये कई सालों से नहीं आ रहा, जब मेरे ख्याल में कोई 10 साल हो गए हमें पानी मिल ही नहीं रहा है। 10,000 रुपये का एक टैंकर हम खरीदते हैं पानी के लिए। कितने में? 10,000 रुपये में। अच्छा, कितना चलता है वो तकरीबन कोई 15 दिन चलते हैं, फिर 2 डालवाने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, और बात ये है कि ये सड़कें तो बन जाती है, ये तो मामलाते चलते रहेंगे, मगर हमारे बुनियादी मसले जो है ना पानी का इस वक्त। आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी मजबूत है जिसका उम्मीदवार जीत रहा है, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम नून लीग को। नून लीग को जी। अच्छा, उसको जीतना चाहिए? उसको जीतना चाहिए। अच्छा, और पिछले इलेक्शन में जो फैसल वावड़ा PTI वाले जीते थे उसकी क्या रही कारकर्दगी? हमारे इलाके में तो कोई काम नहीं करवाया, हमारे इलाके में सबने उनको वोट दिए लेकिन हमारे इलाके में कोई काम नहीं करवाया। तो आपके हलके में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए, किसको सपोर्ट करेंगे आप? या हम सपोर्ट करेंगे ये उसको नवाज शरीफ को। अच्छा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है पानी का हमारे साथ, और हमारे लिए इस मोहल्ले में, इस इलाके पूरे बल्दिया में पानी का बहुत बड़ा मसला है। हम तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, 6-7 हज़ार रुपये हम पानी पे खर्च कर देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या और हम खाएंगे क्या? और पानी का मसला तो अपनी जगह पे, गैस का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, सारे मसले यहाँ पर ये जमा हो गए इकट्ठे, और ये कोई लीडर नहीं कर रहे, आ रहे वादे करके चले जा रहे, आते हैं वादे करके चले जाते हैं। अब जो वादा किया इन्होंने, बोला कि हम पानी लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब वाडा ने जो वादे किए थे वो वफा हुए? झूठे, वो झूठे वादे थे, वो झूठा खुद भी झूठा, सब झूठे वादे, उसको तो कोई जानता नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आया था और यहाँ उसको इलेक्शन जिता के और वो चले गया, और आज तक फिर किसी ने देखा नहीं यहाँ पे। हाँ, कोई पानी हमें नहीं मिला, कोई बिजली नहीं मिल रहा है, कोई गैस नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान हैं। तो हुकूमत से हमारा ये इंतजा है कि हमारे लिए खुदा रहा ये पानी, बिजली और गैस, ये तो हमारा बुनियादी हक है, ये तो हमें देना चाहिए ना। उसको करेंगे जो हमारे मसाइल जो हल करेगा। कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? हमारा एक सबसे बड़ा जो मसाइल जो है ना वो है पानी का और बिजली का। अच्छा, हमारा पानी का जो मसला है ना, हमारा पानी का मसला ये है कि यहाँ के बल्दिया टाउन के अंदर जो पानी जो है ना, हमारा अपना पानी हम खुद खरीद रहे हैं अपने पैसों से। अच्छा, हमारा अपना पानी जो हमें लाइन में मिलना चाहिए वो पानी बिक रहा है, वही लाइन वाला पानी बिक रहा है। हाँ, वही पानी टैंकर वगैरह में यहाँ वहाँ सप्लाई हो रहा है, ये हमारा ही पानी है, ये हमारा ही पानी हमारी लाइनों से चोरी करके जो बेचा जा रहा है टैंकरों के अंदर। मुझे आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, PSP, MQM किसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम लीग नून। नून को करेंगे? नून को। क्यों? क्योंकि उम्मीद है हमें उससे। अच्छा, हाँ, बाकी खान साहब ने जो आगे वादे किए थे ना वो सारे वादे तो बेकार हो गए, उनमें से एक भी मसाइल हमारा हल नहीं हुआ। अच्छा, ना हमें बिजली की कोई सपोर्ट। खान साहब तो इस्लामाबाद में बैठे थे, यहाँ तो फैसल वावड़ा थे। फैसल वाडा साहब जो थे ना, फैसल वाडा साहब ने भी हमारी कहाँ आवाज़ सुनी? नहीं, फैसल वाडा साहब ने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी, ना हमारे पानी के मसले को देखा, ना हमारे बिजली को मसले को देखा, कोई भी हमें उनकी तरफ से कोई भी कोऑपरेट नहीं मिला फैसल वाडा साहब की तरफ से। नहीं, इस बार बल्ले के थप्पा नहीं लगे, बल्ला भूल जावे, बल्ला भूल जावे। किसको वोट देंगे, क्या समझते हैं किसको जीतना चाहिए? जीतना तो सर इस दफा चांस तरीके इंसाफ के दोबारा होने चाहिए। किसका चांस है? तरीके इंसाफ। वोट होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग सब हैं, आप किसके सपोर्ट रहे, किसको जीतना चाहिए? हमने तो देखे अब 60 साल उम्र होगी, हर एक को वोट दिया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या ख्याल है?
अब देखो जो काम करे उसी को वोट देंगे ना। अब पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, रोज़ों में गैस बंद हो जाती है, रात को बिजली बंद हो जाती है, अब क्या करें, किस पे एतबार करें, ये बताए आप बताएं किस पे एतबार करें। हाँ उसको भी वोट दिया, उसने क्या किया, अब बताएं कि आप बताएं कि हम कादर मंदो खेल को दे रहे हैं आप। हाँ जी इरादा तो है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख ले ना झंडे बंडे नहीं आजमाते, आजमाते तो 60 साल हो गए हैं, अब किसको आजमाना है। बहरहाल हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह करे कोई नेक आए जो हमारे काम करे, बस हमें पार्टियों से कुछ नहीं लेना, हमें काम चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, इंसाफ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, यही मसले हैं ना, मेन मसले यही हैं, बाकी तो पार्टी आती जाती रहती हैं, अल्लाह ताला उसको लाए जो हमारे हक में बेहतर हो। नाजरिया साइन वक्त बल्दिया जी मुस्लिम मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद आयो अचो तो इतने मौजूद जो मकामी मानू उन वोटर उन गाल बोल क्यों था पिछली पिछली इलेक्शन में जो जीता था वावड़ा साहब उसकी क्या कारकर्दगी उसकी कारकर्दगी सब ने देख ली यहाँ की आवाम ने बल्दे की आवाम ने तो उसका चेहरा सबके सामने आ चुका है तो इंशाल्लाह अभी ये है कि पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह सीट कन्फर्म है। तो वोट देंगे किसको देंगे हम लोगों की है पीपल्स पार्टी में देना तो इसी को है मगर देता कोई भी नहीं है ना खाली कुर्सी पे बैठ जाते हैं बस क्या था चमर कुछ जिन था या कुछ भी ना था की भी नहीं था पानी भी नहीं था पी रहे हैं बा पानी भी नहीं था जी हां अच्छा करो करे मारो वोट तब तक पीपी के ही कंदो हां पीपी से अस और पीपी जो जाए ना ही तो आने देना रु आने वो टाइम अच्छे करीब हां दे दे सोच करूं इनके बिजू 20 साल थी वे पानी ने तो अचे थे आज मैं वोट के करी तो था वी टाले वो बाबा मोर लगी पी है पीपी जी बाबा पीपी के दिन देना हां जेड़ो भी है खराब है सीधू है टेड़ो है टेड़ो पीपी है हां बिचड़ो तो इनको वोट भुट्टे जो है ना हां भुट्टो सा आने आने भुट्टो जो दौर ने आने जरदारी जो दौर है पर वोट प्रो भी तीर जो आज वो तो बेल जी नारे कर रहे दिया था ना सा है पुराना मारवे ना भुट्टो मिले ना मिले पर हां 20 साल से पानी ना मिलियो हां भले अनाज भी ना दे हां अब वरी इनका डीणो है बस अंकल ता के वोट दिदो असी आने के हमनी के देना आयो हमें से देना है मगर रहते पा निजाम ऊ जे क्या है माने कुछ न तो पानी न की भी न वोटर के जायो पीपल्स पार्टी जायो ता असी मणी जायो मणी के और देना आयो लेकिन को असाला करे कम न है साईं के वोट कंदो के ता खटन घुर जे समझो वाह असी दा इन पार्टी तकरीबन 17 साल दो ने लागे में पानी न कोन तो अजे अच्छा पानी न इन में लागे में असी अलै परेशान को भी असा जो कम न तो करे हाँ असी वोट दींदा तहरीक लभे के यार तो पाबंदी लगी भैया पाबंदी लगी है के भी वोट नहीं दींदी असी यार रसूलुल्लाह वाला वफाकी सरकार तहरीके लबैक से पाबंदी हणी छरी उम्मीदवार नजीर अहमद वो शायद हाँ बीह ही नो हाँ तुम कें वोट कौन फैसलो अं कें भी वोट असं कें भरोसा ना कर कुल मेरे यूदी या एजेंट है मेरे अगर मुसलमान ने कितो मारे हाँ जी समय चार नंबर से भी कितना मारू मरिया पूरे मुल्क में मारू तीन नजर में उन टीएलपी के ना था नंबर ते में असी कें भी वोट नींदा नाजरीन कराची तक इन 249 अप्रैल से नंढी चूंड में कड़ी पार्टी मैदान मारींदी इन बाबत असी इन 249 के मुख्तलिफ़ इलाक में मौजूद जो वोटर उन्होंने बोल कई है उन उन्होंने वोटर का यो पुछो है तो उन्होंने कड़ा कड़ा मसला जिते जिते भी अस व्यूं जिते जिते भी असि मानन सा गाल बोल थी उते मानन जो चवण यो हो तो 2018 में खटी इंदड़ पीटीआई उम्मीदवार फैसल वावड़ा जो बाद में वफाकी वजीर भी बनो उन जो है चूंडू खटन का तकड़े वरी मुँह वराए न दिठो नतीजे तौर उनके मसला उ हल न थी सकिया अक्सर वोटर जो चवण हो तो उन उम्मीदवार के ही वोट कंदा जो उनका मसला हल कह उन्होंने वे में वो जो मसलो है वो पीण जो पानी है छाकाण त पीण जो पानी इन तक में 1.5 महीने में सिर्फ एक दफो वो भी एक कलाक इन है तेज करते जो भी उम्मीदवार वोट वठण लाइ अचे तो वर्क अचे तो उनो पे शर्त वो रखो वे तो असा पीण जो पानी खपे पर मजबूती तौर से नवाज लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएसपी पीटीआई जो उम्मीदवार हैं उन विच में सख्त मुकाबलो है ऐसा यो है 29 तारीख से इन चैनी उम्मीदवार में कड़ी पार्टी जो उम्मीदवार सुबारो थे तो उनसा गड़ोगड पाबंदी मंडल तंजीम टीएलपी जो उम्मीदवार है उनको जो मुस्तकबिल वो भी उंदाहो थी है वफाकी सरकार पारा टीएलपी से धरणन वाले सिचुएशन का पाबंदी हणी छी है टीएलपी से पाबंदी का टीएलपी उम्मीदवार जो फ्यूचर हों इन बाबत अजा तीन इलेक्शन कमीशन जो फैसलो वो न अची सको है पर टीएलपी जो वोटर उन्होंने जैसे असि गाल बोल थी है तो उन्होंने चवण जैसे
टीएलपी ते पाबंदी लगी है। टीएलपी जो को भी उम्मीदवार इतने न बीठो तो हू पंजो वोट बी पार्टी के न दींदा आई जको आहे घर वेही रहंदा वोटन वारे दी। इनी ते अजो को प्रोग्राम जो वक्त पंज पुजाणी ते पोतो इंदर प्रोग्राम ते पंज मेज़बान शब्बीर लाशार के दींदा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।